उत्तराखंड के चंपावत में आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत ने जनपद चंपावत भ्रमण के दौरान चंपावत जिले के टनकपुर क्षेत्र अंतर्गत लंधौर से कडौल एवं कडौल से 4 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा ब्यानधुरा के किए दर्शन। साथ में जिलाधिकारी चंपावत नवनीत पांडे भी रहे मौजूद। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 14 जनवरी मकर संक्रांति से 22 जनवरी को श्री राम मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम तक प्रदेश में दीपावली की भांति ही विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देशों के क्रम में रविवार को आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत ने उत्तरायणी पर्व पर दिन रात चलने वाले श्री बाबा ब्यानधुरा मेले का शुभारम्भ करते मंदिर में पूजा अर्चना कर जनपद वासियों की सुख समृद्धि हेतु प्रार्थना की। ब्यानधुरा महाराज के आज दर्शन किए, डीएम साहब भी साथ में हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हैं और श्रद्धालुगण भी यहाँ पे हैं। कुछ कुछ डिमांड्स यहाँ पे श्रद्धालुगणों की ओर से आई है। एक तो ये कि यहाँ पे स्थायी व्यवस्था हो पानी की, पानी ऊपर तक पहुँचे, साथ ही साथ ये जो रास्ता है जहाँ पे ब्यानधुरा का मंदिर है और माता जी के मंदिर के बीच में, इसकी मरम्मत की भी यहाँ पर डिमांड की गई है, जो कि सही डिमांड है, इसको होना चाहिए। तीसरा, फ़ोन की कनेक्टिविटी का मसला है, इसको दिखवाया जाएगा। और डांडा के लोगों ने कहा है कि वहाँ पे सड़क भी वहाँ पे पहुँचे, बीच में जो कठौल में जो एक तोक है वहाँ पे सड़क की डिमांड भी थी और एक पैदल पुल की भी वहाँ पे डिमांड है, जो मेरे हिसाब से सही डिमांड है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश थे कि एक बार यहाँ पे दौरा करके आएँ, तो इसको आज देखा है। तो इन सभी जो यहाँ पर डिमांड्स हैं, इन पर जल्दी हम DPRs बनवाएंगे और इन पर तत्काल काम शुरू करवाएंगे, ताकि समय रहते कम से कम अगले साल से पहले पहले जब यहाँ पे दोबारा मेला होगा ये व्यवस्था यहाँ पे अच्छी मिले। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।